तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली क्लास में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में बताया था और आप लोगों को समझाया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं होते। तो आज हमारी जो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन जो होगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वो है हमारी द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया था। मैंने ये बताया था कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसके अंदर डिफरेंट एयर लेयर्स है। क्या है? डिफरेंट एयर लेयर्स है। वो जो डिफरेंट जो एयर जो लेयर्स होती है ना उनका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली क्या होता है बेटा, चेंज होता रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बेटा ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है बेटा, और ये क्या है बेटा हमारी डिफरेंट एयर लेयर्स है, ठीक है। क्या है बेटा? डिफरेंट एयर लेयर्स, ठीक है। मैंने एक चीज आपको पहले क्या बताया कि बेटा ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ये जो एयर जो लेयर्स होती है ना जो नियर द अर्थ सरफेस होती है इनका टेम्परेचर कम है क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जो एयर जो लेयर्स होती है उनका टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू अदर लेयर्स विच इज प्रेजेंट एट हाई हाइट, विच इज प्रेजेंट एट हाई हाइट, विच इज प्रेजेंट एट ग्रेटर हाइट एज कंपेयर टू दीज लेयर्स, ठीक है बेटा। मतलब ये है कि इनका टेम्परेचर कम है तो ये कोल्ड एयर लेयर्स है, ठीक है। ये पिछली वाली क्लासेस का ये कोल्ड एयर लेयर्स, अगर ये कोल्ड एयर लेयर्स है बेटा तो इनकी जो डेंसिटी ये जो मीडियम जो होता है ये जो एयर जो लेयर्स होती है बेटा ये जो मैं एयर लेयर्स बना रहा हूं ये एयर लेयर्स बेटा डेंस होती है। कैसे होती है? डेंस होती है। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज टूगेदर होते हैं क्योंकि यहां टेम्परेचर क्या है? कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है बेटा? ज्यादा है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है इन एयर लेयर्स की क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। और इन एयर लेयर ये जो एयर जो लेयर्स होती है जो मैंने कलेक्शन किया हुआ है ये जो एयर लेयर्स है इनका टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से। अगर हाइट ज्यादा है टेम्परेचर ज्यादा है तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन कम होता है इसलिए मीडियम जो होता है वो लेस डेंस होता है। कैसा होता है? लेस डेंस। मतलब अगर ये लेस डेंस है तो बेटा ऑप्टिकल जो डेंसिटी जो होगी ऑप्टिकल जो डेंसिटी जो रहेगी इस मीडियम की वो कैसी रहेगी बेटा? कम होगी। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है ना तो समझ लेना बेटा वो कौन सा मीडियम होता है? रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। और जहां ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वो वाला बेटा कौन सा होता है? डेंसर मीडियम है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर बेटा स्टार है, ठीक है, ये स्टार है और ये इसकी बेटा एक्चुअल पोजीशन है स्टार की। क्या है? एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। ये कहाँ पर बेटा? वैक्यूम के अंदर है। स्टार कौन से सोर्स होते हैं? ल्यूमिनस सोर्स होते हैं। कैसे सोर्स होते हैं? ल्यूमिनस सोर्स। अब देखो इनसे जब लाइट आएगी जब वैक्यूम से जब लाइट ट्रेवल करेगी तो नियरली बेटा स्ट्रेट होगी। कैसे होगी बेटा? नियरली स्ट्रेट होगी। बट जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी तो बेटा वो जो लाइट जो होगी स्टार से आने वाली जो लाइट जो होगी उसका क्या हो जाएगा बेटा? रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा? उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। वो जो लाइट है वो हमारी बेटा रिफ्रैक्ट होगी। मतलब ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि बेटा जब लाइट हमारी ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है बेटा। अब देखो जब एटमॉस्फेयर की जो हाइट है ना बेटा वो बहुत ज्यादा है तो अगर उसकी हाइट डिक्रीज होती चली जाएगी बेटा तो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता चला जाएगा बेटा। अगर मीडियम ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होता चला जाएगा तो ज्यादा ही लाइट हमारी बेटा टुवार्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ क्या हो जाएगी बेटा? बेंड होगी। मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार से लाइट ट्रेवल करेगी इनिशियली वैक्यूम में होगी तो वो सेम स्पीड चलेगी। अगर वो सेम स्पीड चलेगी तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अब जैसे ही वो मीडियम के अंदर एंटर करेगी बेटा
अगर वो मीडियम के तरह अगर मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा ऑप्टिकली मिरर होगा, फिर ऑप्टिकली ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है बेटा बढ़ती चली जाएगी क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है बेटा कम होता जाएगा। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी तो मीडियम ज्यादा डेंस होता चला जाएगा, अगर मीडियम ज्यादा डेंस होता चला जाएगा तो लाइट मोर ही क्या हो जाएगी बेटा रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। जब ये रिफ्रैक्टेड लाइट आई की ऑब्जर्वर की आई के अंदर एंटर करेगी, ये क्या बेटा हमारा ऑब्जर्वर है, जब ये लाइट हमारी ऑब्जर्वर की आई के अंदर एंटर करेगी तो ये जो लाइट है ना बेटा, ये जो लाइट है आपको ऐसे लगेगी कि जैसे ये जो लाइट है ना बेटा हमारी इस वाले पॉइंट से आ रही है। इसका मतलब क्या बेटा, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जो हमारी जो आई जो है ना वो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रेस स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है और वो हमारी अगर आई के अंदर एंटर कर रही है तो हमारी जो आई जो रहेगी ना उस ऑब्जेक्ट को रेस्पॉन्स करेगी, मतलब उसके साथ में एक विजिबल एंगल बनाएगी और वो ऑब्जेक्ट हमें क्या होगा बेटा दिखेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो लाइट है ना बेटा स्टार से आने वाली जो लाइट है वो रिफ्रैक्टेड हो गई। अब ये जो रिफ्रैक्टेड जो लाइट है ना ये एपियर होगी कि जैसे ये रिफ्रैक्टेड लाइट क्या बेटा इस वाले पॉइंट से आ रही है, तो इसका मतलब ये जो सन जो था सॉरी जो स्टार होता है इसकी एक्चुअल पोजीशन है ये स्टार की। अब हमें पोजीशन जो दिखेगी बेटा स्टार की यहां पर दिखेगी, मतलब ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन का बेटा बी, तो इस वाली पोजीशन को बोलते हैं बेटा एपियरिंग पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एपियरिंग पोजीशन ऑफ स्टार, एपियरिंग पोजीशन ऑफ स्टार। तो ये जो एपियरिंग जो पोजीशन है वो स्टार की वो किसकी वजह से आई है बेटा, वो इस वजह से आई है क्योंकि जब स्टार से आने वाली लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी तो लाइट हमारी लेस डेंस से मोर डेंस में एंटर करेगी। जब वो लेस डेंस से मोर डेंस में अगर एंटर करेगी तो बेटा उसका लाइट का मोर रिफ्रैक्शन होगा, इसीलिए हमें क्या होगा इस ऑब्जर्वर को ये जो स्टार जो होगा ना वो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट जो होगा ना बेटा ये जो स्टार जो होगा वो यहाँ पर एपियर होगा, जो इसकी क्या कहलाएगी बेटा एक वर्चुअल पोजीशन कहलाएगी, या इसको हम बोल सकते हैं बेटा क्या होगी सीन्स पोजीशन भी बोल सकते हैं, इसको हम एपियर पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है हमारी स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, तो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा एडवांस सनराइज और डिले सनसेट वाली, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो एडवांस सनराइज किस वजह से टेक प्लेस करता है ठीक है बेटा, और सनसेट जो होता है वो डिले क्यों होता है ठीक है बेटा, तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पर ही बेस है, ध्यान रखने सी का। एडवांस सनराइज एंड क्या बेटा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो सनराइज सनसेट का मतलब समझ रहे होंगे, एडवांस का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से बेटा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमारा जो सन जो होता है ना बेटा, सन जो होता है वो हमें एडवांस अपीयर होता है, मतलब 2 मिनट बिफोर सनराइज अराइज कर जाता है, और जब सनसेट करता है बेटा जब सनसेट होता है तो 2 मिनट आफ्टर सन हमारा क्या होता है बेटा सेट होता है, सन क्या होता है सेट होता है ठीक है। इट मींस पूरे डे की जो लेंथ है ना, पूरे जो डे की जो लेंथ है वो कितने टाइम से इंक्रीज हो जाती है बेटा 4 मिनट से इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एडवांस सनराइज डिले सनसेट से आए, तो एडवांस सनराइज डिले सनसेट की जगह पे ये पूछ भी सकता है कि हाउ डज द लेंथ ऑफ द डे इज इंक्रीज बाय द 4 मिनट्स, इंक्रीज बाय द 4 मिनट्स। तो आप लोग बता दोगे इस चीज को, क्योंकि वहां पर एडवांस सनराइज डिले सनसेट होता है उस कंडीशन के अंदर, और वो एडवांस सनराइज डिले सनसेट किसकी वजह से होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, इसलिए जो डे की जो लेंथ है वो 4 मिनट्स क्या हो जाती है
इंक्रीज होती है। अब देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पर इनिशियली मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द लाइन वेयर द अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी अपीयरिंग लाइन जहां पर अर्थ और स्काई बेटा अपीयर होते हैं, जैसे वो क्या कर रहे हैं बेटा एक दूसरे के साथ में मीट कर रहे हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि ए लाइन ए वर्चुअल लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ए लाइन विच कैन सेपरेट द अर्थ फ्रॉम द स्काई। उस लाइन को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड, उस लाइन को बोलेंगे बेटा हम हॉरिजॉन्टल। एक ऐसी वर्चुअल लाइन, एक ऐसी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल जिसमें जिससे क्या होता है बेटा हमारी जो अर्थ है ना वो हमारी स्काई से क्या हो जाती है बेटा सेपरेट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा सेपरेट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि बेटा ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ये इस वाली लाइन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हम हॉरिजॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हॉरिजॉन। अब देखो ये क्या होगी, ये मान लीजिए ए भी एक हॉरिजॉन लाइन है, ठीक है, यहाँ ये क्या बेटा अर्थ है, और ये मान सकते हैं कि ये हमारी अर्थ है और ये क्या बेटा हमारा स्काई है, ठीक है बेटा। तो ये वो लाइन है जो हमारी क्या कर रही है बेटा अर्थ को स्काई से क्या कर रही है बेटा सेपरेट कर रही है। इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो अगर मान लो स्काई है, मान लो कि ये हॉरिजॉन है तो ये अबव द हॉरिजॉन कहलाएगा बेटा, अबव द हॉरिजॉन में क्या है बेटा अर्थ एटमॉस्फेयर है, अबव द हॉरिजॉन में कह सकते हैं कि अबव द हॉरिजॉन जो है ना वो अर्थ है, और बिलो द हॉरिजॉन में क्या बेटा हमारा स्काई है, बिलो द बेटा क्या हॉरिजॉन, मान सकते हैं कि बिलो द हॉरिजॉन में क्या बेटा सन की क्या है पोजिशन है, ठीक है, क्या बेटा पोजीशन। तो जब हमारा सनराइज और सनसेट होता है ना, जब सनराइज और जब सनसेट टेक प्लेस करता है, मैं एक्चुअली में किसकी बात कर रहा हूँ, सनराइज की बात करता हूँ। तो जो एक्चुअली में जब सनराइज जब होता है ना तो इनिशियली जो सन जो होता है ना वो कहाँ होता है बेटा, बिलो द होरिजन होता है। When the sun is below the horizon, ये सन है और ये इस लाइन के ओरिजन के क्या बेटा बिलो है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी सनलाइट नहीं होनी चाहिए अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि इस लाइन ने अर्थ को और स्काई को क्या कर रखा है बेटा सेपरेट कर रखा है, क्या कर रखा है बेटा सेपरेट कर रखा है, ठीक है, क्या कर रखा है सेपरेट। अब देखो बेटा इसका मतलब ये हम ये बोलेंगे कि ये एक एक्चुअल पोजिशन है सन की, एक्चुअल पोजिशन ऑफ सन, ठीक है। अब देखो इसके अराउंड में क्या है बेटा, इसके अराउंड में बहुत सारी क्या है बेटा एटमॉस्फेयर होगा भाई, एटमॉस्फेयर है कि नहीं, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ये, और ये मैंने क्या दिखा दिया, ये क्या बेटा हमारा वैक्यूम है और ये क्या बेटा हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर अगर बेटा अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन एयर लेयर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा ये एयर लेयर्स नियर द सरफेस, नियर किसके बेटा सन के हैं। ये जो एयर जो लेयर्स हैं बेटा, ये जो एयर जो लेयर्स हैं वो सन के नियर हैं। अगर ये सन के नियर है तो यहाँ पर इन एयर लेयर्स का टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये वाली जो एयर लेयर्स जो होंगी बेटा ये लेस डेंस होंगी बेटा, लेस डेंस मतलब ये होंगी बेटा मोर रेयर होंगी। अगर डेंस नहीं है तो वो रेयर ही तो होंगी बेटा, मोर रेयर है ये। और ये वाली जो एयर जो लेयर्स है बेटा, ये वाली जो एयर जो लेयर्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जो एयर जो लेयर्स है ये क्या बेटा, ये इनकी जो डिस्टेंस है, ये जो एयर जो लेयर्स है ये सन से दूर है। अगर ये सन से दूर है, ये एयर लेयर्स अगर सन से दूर है
तो इनका मतलब क्या है कि ये बेटा ये एयर लेयर्स कैसे होंगी बेटा, मोर डेंस होंगी। क्या होंगी बेटा? मोर डेंस होंगी। इसका मतलब ये है कि जब स्टार से जब कोई लाइट निकलेगी, सन से लाइट ट्रेवल करेगी तो वो लेस डेंस से मोर डेंस में रिफ्रैक्ट होगी। स्टार ही बोल सकता हूँ, सनी स्टार। तो इस सन से जब लाइट रेज निकलेगी तो एक्चुअली में क्या होगा कि ये जो लाइट होगी ना बेटा, जो लाइट निकलेगी ये जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी तो इस लाइट का लेस डेंस से मोर डेंस में एंटर करेगी तो उस लाइट का बेटा रिफ्रैक्शन अकर कर जाएगा। क्या कर करेगा बेटा? रिफ्रैक्शन। वो लाइट बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी और टुवर्ड्स किसकी तरफ? ऑब्जर्वर की तरफ। किसकी तरफ होगी? ऑब्जर्वर। मान लो यहां पर क्या बेटा हमारा ऑब्जर्वर है, क्या बेटा ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो सन से आ रही है, जब सन की क्या बेटा एक वर्चुअल पोजीशन है कहां पर? बिलो द किसके बेटा? हॉरिजन के। तो जब सन से जब लाइट आएगी तो लेस डेंस से मोर डेंस में जाएगी तो बेटा वो रिफ्रैक्ट होगी। इन दिस वे में क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि लेस डेंस से मोर डेंस में टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। बट वहां पर कंटीन्यूअसली उसका रिफ्रैक्शन होगा, कंटीन्यूअसली रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन, कौन से क्या होता रहेगा बेटा? रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा, ठीक है। अब ये जब रिफ्रैक्ट लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करेगी तो एक्चुअली में आपको मैंने अभी बताया था कि बेटा हमारी जो आई है ना वो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल करती है। स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट के लिए क्या करेगी? रेस्पॉन्सिबल। तो जब ये लाइट आई के अंदर एंटर करेगी तो ये जो रिफ्रैक्टेड जो लाइट है ना बेटा, ऑब्जर्वर को अपीयर होगी कि जैसे ये रिफ्रैक्टेड लाइट ना रिफ्रैक्ट लाइट इस पोजीशन से ना आकर के सन की से ये जो लाइट है बेटा ऐसे लगेगी जैसे कहां से आ रही है बेटा? यहां से आ रही हो। तो इसका मतलब यहां पर हमें सन अपीयर होगा बेटा। तो ये क्या होगी बेटा? उसकी अपीयरिंग पोजीशन होगी किसकी बेटा? अपीयरिंग पोजीशन होगी किसकी? सन की। और वो बेटा कैसी होगी? जस्ट अबव द हॉरिजन। जस्ट अबव द क्या बेटा? हॉरिजन। अब देखो एक्चुअली में सन है कहां पर बताओ? एक्चुअली में सन कहां पर है? बिलो द हॉरिजन। बट हुआ क्या बेटा? हुआ क्या कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जब वो रिफ्रैक्ट लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करी तो रिफ्रैक्ट लाइट बेटा अपीयर हो रही है। जैसे रिफ्रैक्ट लाइट कहां से आ रही है बेटा? इस वाले पॉइंट से आ रही है। इस तरीके से लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमारी जो आई है वो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है बेटा, अब इससे स्ट्रेट लाइन लाइट इससे निकल ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है ऐसे, तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जब हमारी आई के अंदर एंटर करेगी तो इसकी पोजीशन हमें यहां पर अपीयर नहीं होगी, वो हमें लगेगी ये रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं ट्रेवल कर रही है, लगेगी जैसे यहां स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट आ रही हो, हमारी लाइन की स्ट्रेट में साइट में स्ट्रेट लाइन साइट में हो, तो यहां पर पोजीशन दिखेगी इसकी। तो ये रीजन होता है इसका बेटा एडवांस सनराइज। एक्चुअल पोजीशन है सन की पर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ कि सन जो है वो हमें अपीयर हो रहा है कहां पर? जस्ट अबव द हॉरिजन। इसका मतलब क्या है कि सन जो है वो हमें अपीयर होगा किसमें? सन जो होगा वो हमें अर्थ पर ऑब्जर्व, अर्थ सरफेस पर क्या होगा बेटा? अर्थ के अंदर हमें ऑब्जर्व होगा। अगर ऑब्जर्व होगा तो हमें कहेंगे भाई सन क्या कर गया है? राइज कर गया। सन क्या कर गया बेटा? राइज। तो ये एक्चुअली में ये जो गैप जो होता है ना कितने मिनट का होता बेटा? 2 मिनट्स का होता है। इसी को हम बोलते हैं एडवांस सनराइज। सिमिलरली क्या होता बेटा? डिलेड सनसेट टेक प्लेस करता है। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब एक चीज समझाता हूं आप लोगों को, ध्यान समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली में जो हमारा जो सन जो होता है ना, सन जो है जब सनराइज और सनसेट होता है तो वहां पर एक्चुअली में होता क्या है बेटा? एपिरेंट फ्लैटनिंग सन डिस्क में अपीयर होता है। डिस्क में हमें वो सर्कुलर नहीं दिख करके वो एक फ्लैटनिंग डिस्क दिखाई देती है।
फ्लैटनिंग, मतलब इस तरीके से सन अपीयर होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा इस तरीके से कि जब सनराइज और सनसेट होता है ना तो वो एक्चुअली में इस तरीके से उस इस तरीके से होता है बेटा सन। नियरली ये वाली जो साइड जो होती है ना ये फ्लैट होती है, ये वाली जो साइड जो होती है सन की कैसी होती है बेटा, फ्लैट होती है। और ये वाली फिर भी कैसी होती है बेटा, सर्कुलर ही होती है इस तरीके से। बट एक्चुअली में ये वाली जो साइड होती है ना वो नियरली कैसी होती है बेटा, फ्लैट होती है। ये वाली ये फ्लैट क्यों होती है, ये फ्लैट इसलिए होती है कि देखो इमेजिनेशन करो आप लोग इस चीज को कि जैसे मान लो ये क्या है बेटा हमारा सन है, ये ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये साइड है और ये साइड। अब देखना ध्यान से, इस चीज में आपको बता रहा हूं, देखना ध्यान से, ये सन है, ये टॉप है उस सन का और ये क्या बेटा बॉटम है। अब देखो जो बॉटम जो होगा, बॉटम से जब लाइट आएगी, बॉटम से जब लाइट एंटर करेगी, जब बॉटम से लाइट क्या करेगी बेटा एंटर करेगी, तो उसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा हमारी आई के अंदर। और जब टॉप से वो आएगी तो उसका रिफ्रैक्शन कैसा होगा बेटा हमारी आई के अंदर, उसका जो रिफ्रैक्शन जो होगा लाइट का वो कैसा होगा बेटा, अलग होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि टॉप और जो बॉटम जो होते हैं ना, टॉप और जो बॉटम से जब लाइट आती है, टॉप और जो बॉटम से जब लाइट आती है तो उससे होने वाला जो अमाउंट ऑफ जो रिफ्रैक्शन है ना बेटा वो डिफरेंट अमाउंट में होता है। किसमें होता है बेटा, डिफरेंट अमाउंट में। इसीलिए हमारा ये जो सन है ना ये फ्लैटनिंग डिस्क में अपीयर होता है जब सनराइज और सनसेट टेक प्लेस करता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ इस चीज को ध्यान से देखें, ये हमारा क्या है सन है, ठीक है, ये इसका क्या है बेटा टॉप और ये क्या बेटा बॉटम। तो बॉटम से आने वाली जो लाइट रेज होंगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और बॉटम से आने वाली जो लाइट रेज होंगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी आर्थ एटमोसफेयर में एंटर करने के लिए, और टॉप से आने वाली जो लाइट रेज होंगी वो कैसे डिस्टेंस कवर करेंगी बेटा, कम डिस्टेंस कवर करेंगी। अगर टॉप से सॉरी बॉटम से जो लाइट रेज लार्ज डिस्टेंस कवर करेगी तो उस लाइट का रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि वो ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एटमॉस्फेयर में से, ठीक है। और जो टॉप जो रहेगा ना वो उससे आने वाली जो लाइट जो रहेगी वो डिस्टेंस कैसे कवर करेगी बेटा हमारी, कम डिस्टेंस कवर करेगी। अगर कम डिस्टेंस कवर करेगी तो उस लाइट का रिफ्रैक्शन कैसा होगा बेटा हमारा, कम होगा, कैसा होगा बेटा कम होगा। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा हम ये मान के चलते हैं कि टॉप और जो बॉटम जो होते हैं सन के वो हमें फ्लैट दिखाई फ्लैट अपीयर होते हैं, वो इसलिए फ्लैट अपीयर होते हैं क्योंकि जो रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का, जो रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का टॉप और बॉटम से वो इक्वल नहीं होता। बॉटम से आने वाली लाइट का रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है और इससे आने वाली जो लाइट का रिफ्रैक्शन जो होता है बेटा वो कैसा होता है, कम होता है। इसलिए क्या होता है कि हमें एक क्या मिलती है बेटा, एक फ्लैटनिंग डिस्क अपीयर होती है सन की जब सनराइज करता है और सनसेट होता है। तो मैंने आप लोगों को तीन एप्लीकेशंस बताई हैं इसकी, एक तो बताई है एडवांस सनराइज रिलेशनशिप वाली एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से, दूसरा स्टार सीन फायर देन एक्चुअली वा ये भी किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। फ्लैटनिंग डिस्क जो होती है सन की वो भी किसकी वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार वो भी किसकी वजह से होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, ठीक है।